मॉर्निंग एंड थैंक यू एवरीवन जो भी एमसी के मेंबर्स हैं जो स्वच्छता के रिगार्डिंग बच्चों को हमारे अवेयर किया. हमारे स्कूल की भी यही और प्रिंसिपल मैम की भी यही कोशिश रहती है कि बच्चे जो हैं स्कूल के अलावा जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छे रखें. बच्चों को हम घर में भी साफ़ सफाई से रिलेटेड बताते रहते कि अपने घर से ही शुरुआत करूँ. अपने घर में स्वच्छता रखोगे तो अपने स्कूल में भी वही चीज़ें हैं और बाहर भी जहाँ कहीं पर उनको कूड़ा नज़र आता है वो कंप्लेन कर सकते हैं ताकि एमसी के जो मेंबर्स हैं या जो हमने एक दो बार लेटर्स भी लिखवाया है बच्चों की तरफ से कि जो आसपास का कूड़ा है वो जो है मेंबर्स आके यहाँ पे साफ सफाई करवाएं. थैंक यू सर. मेरा नाम पूनम सेखरी है. मैं प्रिंसिपल वैदिक स्कूल हूँ. आज रोहिला जी देवेंद्र रोहिला जी और उनकी टीम जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आई और उन्होंने हमारे बच्चों को अवेयर किया कि कितने तरह के गार्बेजेस होते हैं और उनको किस तरह से हमने डिस्पोज ऑफ करना है. काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, बच्चों को पता था, उनको आगे इन्फॉर्मेशन मिली. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो अगली बार आएंगे तो प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हमें प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए और उसकी जगह में और क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. तो आई होप इससे जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं मनीमाजरा के अंदर रहते हैं वो अपने पेरेंट्स को अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को अवेयर करेंगे. और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मनीमाजरा में जो अवेयरनेस की कमी है वो पूरी होगी. यहाँ पर जो लोग अभी भी सड़कों पे गार्बेज गिरा रहे हैं मुझे लगता है इससे उस पर ज़रूर फर्क पड़ेगा. थैंक यू सो मच. माई नेम इज़ मोनिका महाजन. मैं वैदिक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में TGT मैथ्स पे रिक्रूटेड हूँ. आज हमारे स्कूल में इंस्पेक्टर देविंदर रोहिला जी आए थे. उन्होंने हमारे स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में थोड़ा सा बताया बच्चों को, जो कि हम पहले भी बच्चों को बताते हैं. प्रिंसिपल मैम भी हमेशा बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं, हम टीचर्स भी सिखाते हैं. उन्होंने हमें 4 डस्टबिन्स के बारे में बताया और जैसे कि हमें वेट जो गार्बेज है वो हमें ग्रीन में डालना चाहिए, ठीक है. ड्राई वेस्टेज जो है वो ब्लू में डालना चाहिए. जो ग्लासेस का वेस्टेज होता है वो हमें ब्लैक में डालना चाहिए. और जो हमारा सैनिटरी नैपकिन्स का वेस्टेज है वो हमें रेड में डालना चाहिए. बच्चों के इस बारे में जागरूक कराने से शायद हमारा ये एरिया ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाएगा. सो हम भी आगे कोशिश करते रहेंगे कि बच्चों को ये चीज़ हमेशा सिखाते रहें ताकि हमारा एरिया साफ़ हो.